सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कन्नान चौधरी वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने हमारे शो पे दो दफ़ा पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखने में नज़र आ रही है और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे की तमाम तर पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने ये पेश गोई की थी कि अब हमदा शहबाज का मुस्तकबिल क्या है, उनका टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। उन्होंने क्लियरली ये भी कहा था कि अनलकी टाइम शुरू हो गया है और जुलाई के एंड में और अगस्त में पाकिस्तान के ये अच्छा टाइम है। ये पहले ही वो हमारे शो पे तमाम बातें कह चुके हैं और हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद आगे की प्रेडिक्शंस लेंगे हम कि आगे सूरत हाल क्या दिखने में मिल रही है। तो जी कनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं कनान भाई? कनान भाई, आपकी पेश गोइयां तो साबित हो गई। आपने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, लेकिन इतनी ज्यादा सीटों से जीतेगी ये तो अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक साबित हुई। मैंने ये पेशगोई की थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो इस इलेक्शन को विन करेगी और मेरा ख्याल है खान साहब ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इनको अच्छे खासे मार्जिन से हराएंगे। और हमने देखा कि कल हवा भी पीटीआई की ऐसी चली कि उन्होंने वन साइडेडली सिलेक्शन को जो है वो अपने नाम कर लिया खान साहब ने। बल्ले ने डायरेक्ट क्लीन स्वीप किया, छक्के पे छक्का लगाया है और थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, ठीक ठाक मार्जिन से हराया है। बिल्कुल ऐसा ही है, वन साइडेडली उन्होंने मैदान मार लिया है और बहुत बड़े बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जो है विन किया है इलेक्शन। और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन में भी यही नज़र आ रहा था। इसमें देखें बहुत लॉजिक है, इसमें सात के लकी अदद की खान साहब के लिए, लकी नंबर सात हमेशा उनका साथ देता है। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी मैंने कहा था कि 25 को इलेक्शन है, जमा करने से अदद सात बनता है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि उन्होंने 25 को ही तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी जिसका अदद सात बनता था। उसके बाद भी सात के अदद ने खान साहब का बहुत साथ दिया, जैसा कि हमने देखा कि जब सेनेट के इलेक्शन थे तो सात वोट रिजेक्ट हुए थे अपोजिशन के जो खान साहब की फेवर में गए और खान साहब ने सेनेट का इलेक्शन भी अपने नाम कर लिया था, वहाँ पर भी सात के लकी अदद ने खान साहब का साथ दिया था। और अगर हम कल भी देखें तो सातवां महीना था जुलाई का और खान साहब ने आई थिंक सो दैट, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 16 सीटें जो है मुस्लिम लीग नून ने हारी हैं, 15 सीटें खान साहब ने जीती हैं, तो एक हाँ 15 सीटें जीती हैं। और मुझे ये लगता है कि 16वीं सीट भी ज्यादा उम्मीदवार वाली इनको मिल जाएंगे, तो यहाँ भी सात का बिल्कुल ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी सात का अदद उनको फेवर देगा। और फिर सातवां महीना चल रहा है अभी भी जुलाई का जो उनके लिए फेवरेबल है, तो खान साहब को यहाँ पे फेवर रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक और याद दहानी करवाता चलूँ कि आने वाला जो साल है जिसका आगाज होगा 2023, उसको जमा करने से 2 + 0 + 2 + 3 इसको जमा करने से सात का अदद दोबारा से आ रहा है, तो खान साहब के लिए आने वाला टाइम भी लकी नजर आ रहा है, पूरा लकी साबित हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आपको क्या, आपके सितारों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या दिखने को नजर आता है कि सीएम कौन बनेगा पंजाब का, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है कि चौधरी परवेज इलाही ही बनेंगे या कोई और नाम सामने आएगा हमारे? देखिए अभी तक किसी नए कैंडिडेट का नाम तो सामने नहीं आया। आपको याद होगा जब हमजा शहबाज ने ओथ लिया था तो सब एनालिस्ट ये कह रहे थे कि भाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी गवर्नमेंट उनकी, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो वफाक में पीएम बैठे हुए हैं। लेकिन उस वक्त मैंने आपके शो में प्रेडिक्शन दी थी कि जुलाई और अगस्त का ये जो टाइम है हमजा शहबाज और उनके फादर के लिए बहुत अनलकी है, और मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे कि हमजा शहबाज के लिए अपनी प्राइम चीफ मिनिस्टरशिप कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। और मैंने कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कायम रख पाएंगे। अब देखें वही टाइम आ गया और मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं तो यहां पे परवेज़ इलाही साहब के नंबर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको मैं नंबर वन पे पिक करूंगा न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि उनके नंबर्स की फेवर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जुलाई और अगस्त के जो दोनों मंथ हैं ये परवेज़ इलाही साहब को बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो उन्हीं को मैं नंबर वन पे पिक करूंगा। अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या लक्की कैंडिडेट सामने नहीं आता, मैं उन्हीं को पिक कर लूँगा एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।